मस्जिद तुबा इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प मस्जिद है। आप सुन के हैरान होंगे कि मस्जिद तुबा दुनिया की एक गुंबद वाली सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसको बगैर किसी पिलर के बनाया गया, यानी कि इसका कोई भी सतून मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त तुबा मस्जिद में मौजूद हूँ, जो कि गोल मस्जिद भी कहलाती है, और ये पाकिस्तान की नामवर मस्जिद में से एक है। इसकी तामीर जो है उसका आगाज़ हुआ था 1966 में, और 3 साल के बाद इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी 1969 में। और इसको बाबर हमीद चौहान जो हैं उन्होंने इस खूबसूरत मस्जिद को डिज़ाइन किया था। अच्छा, इसका जो बाहर का हिस्सा है मस्जिद का, उसमें तकरीबन 22,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है, और जिसका अंदर का हिस्सा है वहाँ पे 5,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है, और जिसका चबूतरा है वहाँ पे तकरीबन 3,000 नमाजियों की नमाज़ अदा करने की जगह है। सो अभी मस्जिद के थोड़ा सा करीब चलते हैं, इसको डिटेल में मैं आपको बता दूँ। मस्जिद तुबा इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प मस्जिद है। आप सुन के हैरान होंगे कि मस्जिद तुबा दुनिया की एक गुंबद वाली सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसको बगैर किसी पिलर के बनाया गया, यानी कि इसका कोई भी सतून मौजूद नहीं है। हॉल की जो दीवारें हैं उन्हीं दीवारों के सपोर्ट से इस गुंबद को बनाया गया, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद ये तामीर की गई है। पीछे आपको एक इसका मीनार भी नज़र आ रहा होगा। और बेसिकली इस मस्जिद की खासियत भी यही है कि इस मस्जिद को बग़ैर किसी सतून के तामीर किया गया है। मैं इस वक्त मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हूँ, और इसकी दीवारों पे संगे मरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे पत्थर जो है उनको काट के तराश के इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। और अगर गुंबद की बात की जाए तो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारे शीशों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अगर लाइट एक आध लाइट भी जलाई जाए तो क्या होता है कि उस लाइट का रिफ्लेक्शन शीशों में पड़ता है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से इतनी रोशनी हो जाती है कि आप आराम से आसानी से चल फिर सकते हैं मस्जिद के अंदर। और एक और ख़ास बात इस मस्जिद की ये है कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप बिल्कुल हल्का सा भी अगर बात करते हैं, हल्का सा भी बोलते हैं, तो आवाज़ जो है वो गूंजती है और आपके कानों तक वापस आती है। मस्जिद का फन तामीर इसको बाकी मसाजिद से बहुत ही मुमताज़ बनाता है। यही वजह है कि मस्जिद ना सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि सियाहती एतबार से भी बहुत अहमियत की हामिल है, और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं।